नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RAS एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 113 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 114 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या RAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे जो मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के रूप में मशहूर समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? दोबारा देखो, भारतीय नेपोलियन के रूप में मशहूर समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एरन के, गया के, नालंदा के और प्रयाग के। ठीक है, ये प्रयोग नहीं है, प्रयाग के है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग के अभिलेख में ये इसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीताध्यक्ष। ठीक है, सीताध्यक्ष वो होता था जो मौर्य काल में भूमिकर, ठीक है, जो एकत्रित करता था, ठीक है, वो होता था सीताध्यक्ष। तो तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर प्रश्न, इसमें देखो, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जहांगीर के समय। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के समय हुई थी दोस्तों, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था, तो कौन रहा था? अधिवेशन हर साल होता था, लेकिन दोस्तों इसका अध्यक्ष है वो 6 वर्षों तक लगातार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? तो भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21A। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस दे रखा है दिस मैंगो स्वीट, तो इसके अंदर आएगा टेट्स। ठीक है, दिस मैंगो टेट्स या टेस्टीज स्वीट। ठीक है, टेस्टीज स्वीट आएगा इसमें, तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर टेस्टीज। नेक्स्ट है, आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत भाग आरक्षित करता है? तो निजी विद्यालयों में दोस्तों कितने प्रतिशत भाग है वो आरक्षित करता है? तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, कितने प्रतिशत है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि कुल संख्या का क्लास के अंदर 25% है वो इसका होगा, ठीक है, जिसको अपन RTI भी बोल सकते हैं, RTE बोलते हैं अपन जिनको। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस दे रखा है आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर वन डे लीव, तो यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है, तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा शुड, ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, चूज द करेक्टिंग स्पेलिंग, तो इसमें देखो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, तो इसमें देखो कंटिन्यूस, ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, CONTINUOUS, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड, ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस दे रखा है वो देखो, नमिता वोर ए डार्क ग्रीन सारी ऑन हर वेडिंग, ठीक है, तो ये डार्क ग्रीन साड़ी है, ठीक है, ऑन हर वेडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, द हायर यू गो हार्डर यू फॉल, तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें देखो, इसमें द आएगा, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए, तो भाववाच्य का दोस्तों अपने को इसमें चयन करना है, तो कौन सा है, छात्रों द्वारा गीत गाया गया, ये इसमें भाववाच्य है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भवीर्य समास है, ठीक है, चंद्र है जिसके चूड़ में, यानी कि शिवजी, ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राकेश, ठीक है, ये चंद्रमा का है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, निषिद्ध का सही विलोम है, तो दोस्तों निषिद्ध का जो सही विलोम है वो क्या है, तो विहित, ठीक है, निषिद्ध का क्या है, विहित, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों जो शब्द है वो कौन सा है, तो वो है इसमें मुमुक्षु, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान था, तो अष्टप्रधान कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के टाइम, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसका पारमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो दोस्तों किसका प्रयोग है वो पारमाणिक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लेड का, ठीक है, लेड का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो दोस्तों कार्बन की जो मात्रा है ये डलवा लोहा में अधिक होती है, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया, तो कौन सा आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन के साथ में शुरू किया गया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है असहयोग आंदोलन है, वो खिलाफत आंदोलन के साथ में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान की रचना की, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान की रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुश्रुत ने, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया, तो दोस्तों क्या नाम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रूपक, क्या रूपक। नेक्स्ट है, 26 नंबर प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, सॉरी कहाँ पर की गई है, तो ये की गई थी लाहौर में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने है वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहां पर पहली बार जनगण मन गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, तो दोस्तों ये कहां पर गाया गया था, तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे, तो BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक थे, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में यहाँ पे देखो खालिस्तान है, ठीक है, भारत में किसकी की प्रकृति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था, तो दोस्तों तो भारत में कौन सा क्षेत्र की प्रकृति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सा, शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो के प्रस्ताव योजना के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, तो दोस्तों कौन से प्रस्ताव या कौन से मिशन के या कौन सा कमीशन है उसकी योजना के प्रस्ताव के बाद भारत में संविधान के लिखने के लिए भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। नेक्स्ट है, इसमें देखो 33 नंबर प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे, तो संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे संत कबीर के गुरु, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, RTE 2009 किस उम्र समूह के बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है, RTE 2009 किस उम्र समूह के बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या, तो इसका राइट आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, एक जीवित विद्यालय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक जीवित विद्यालय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों वो है अच्छा मुख्याध्यापक सक्षम अध्यापक पाठ्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में RTE किस तिथि से लागू हुआ, राजस्थान में RTE किस तिथि से लागू हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 9 मई 2009 को, ठीक है, 9 मई 2009 को, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला किसके सुखद मिश्रण को दर्शाती है, मुगल वास्तुकला
किसके सुखद मिश्रण को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिमूरी और भारतीय शैली को। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रयोग में किए जाने वाला विमंदक है, तो वो विमंदक कौन सा है? तो दोस्तों वो है ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा है? ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है, तो इसका राइट आंसर ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इस्लामी विश्व की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक शाहनामा के लेखक हैं। मध्यकालीन इस्लामी विश्व की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक शाहनामा के लेखक हैं, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फिरदौसी। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संविधान। सर्वोच्च कौन है? संविधान। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपराष्ट्रपति है, ये संसद का अन्य भाग नहीं है। 44 नंबर प्रश्न है, संसद की स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्रमशः 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शिक्षा अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीय भाग में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में RTE दिए दोस्तों RTE है। ठीक है, भारत में RTE 2009 किस तिथि को लागू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, अजय पूर्व की तरफ यात्रा करता है, विकास उत्तर की तरफ यात्रा करता है, विकास है वो दोस्तों उत्तर की तरफ यात्रा करता है। ठीक है, सोनू है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो विकास किस तरफ जाएगा? विकास भी ऊपर जाएगा। देखो इसमें क्या पूछा है, सोनू एवं रचित विपरीत दिशा में, तो सोनू अगर ऊपर जाता है तो रचित किस तरफ जाता है? दक्षिण में। ठीक है, तो ये मैंने रचित कर दिया, यहाँ पे रह लिख दिया। ठीक है, अब देखो, रचित अजय के दाईं तरफ यात्रा करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अजय इधर जा रहा है। ठीक है, इसका मुंह इधर है पूर्व की तरफ, तो इसकी दाईं तरफ दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण की तरफ कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप सत्य है? तो कौन सा निश्चित रूप इसमें सत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विकास एवं सोनू एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो विकास और सोनू ये दोस्तों दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन। 48 नंबर प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम लिखे जाए तो दाएं से 20वां अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा?
तो दोस्तों दोबारा देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम लिखे जाए तो दाएं से 20वां अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एम आएगा। ठीक है, अब एम कैसे आएगा? तो देखो दाएं से 20वां अक्षर की अपन बात करें तो कौन सा आएगा? टी। ठीक है, और बाएं से 21वें अक्षर की बात करें अपन तो दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा? तो वो आएगा एफ। बाएं से 21वें अक्षर की बात करेंगे यानी कि उल्टे से चलना है। ठीक है, तो वैसे यूं आता है, वैसे अगर देखा जाए तो 21वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? यूं। तो आप अगर 21वें नंबर को उल्टे से चलना है तो यू के सामने देख लो कौन सा आ जाएगा, तो एफ आएगा। ठीक है, तो एफ ये उल्टा से मतलब पीछे से यानी कि जेड से चलते हैं तो एफ 21वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के जो ठीक मध्य में जो है वो है एम। ठीक है, आप टी से भी करके देख लो और एफ के भी करके, टी और एफ के जो मध्य बिंदु है वो है एम। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में गणित की परीक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 80% और लड़कों का 60% है, तर्कयुक्त निष्कर्ष है, तो तर्कयुक्त निष्कर्ष है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखो, एक कक्षा में गणित की परीक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक औसत 80 है और लड़कों का 60 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, कुछ लड़कियां गणित में लड़कों से बेहतर जानकारियां रखती है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो लड़के तो हैं 60% अंक और लड़कियों के हैं 80%। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक सिलेंडर का मुड़ा हुआ सतह 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो सिलेंडर की ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा वो है देखो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें सबसे पहले सूत्र लगेगा दोस्तों अपने को वो है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर नीचे लगेगा इसमें 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा करना है अपने को, तो देखो R है, R अपने को यहाँ पे देखो इसमें दे नहीं रखी। ठीक है, तो ये अब इनको काट लो दोस्तों, सीधा सा है अपने को इसको काट लो। ठीक है, तो R तो ये बच जाएगा अपना, तो अगर अपन काटेंगे इसको तो देखो पाई से है वो पाई कट गया, ठीक है H से H कट गया, ठीक है 2 से 2 कट गया, तो इसमें अपने बचेगा आर बराबर 3.5 × 2 यानी कि जो 7 मीटर बचेगा वो अपनी आ जाएगी आर। ठीक है, तो अब इसको अपने पाई आर स्क्वायर एच का सूत्र लगा के और इसमें अपन एच निकाल लेंगे। ठीक है, तो एच भी आ जाएगा इसमें कितना 6 मीटर। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, ईंटों की संख्या का परिकलन करें, प्रत्येक ईंट की माप 25 सेमी × 12.5 सेमी × 7.5 सेमी एवं एक 6 मीटर लंबे 5 मीटर ऊंचे एवं 50 सेमी मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि दीवार के आयतन का 5% मसाला लगता है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो दीवार का आयतन है वो क्या होगा, देखो 6 मीटर लंबे प्रत्येक ईंट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले अपने को दीवार का आयतन है वो देखो 600 × 500 × 5। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा अपने को, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दीवार का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें दीवार के आयतन को 5% भी कम करना है तो वो भी ध्यान रखना है अपने को, फिर इसमें ईंटों की संख्या निकालनी है तो ईंटों की संख्या इसमें लगेगी दोस्तों वो है 6080 ईंटों की संख्या। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट में बता देना, मैं इसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में बता दूंगा इसको। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक वर्ग एवं आयत की परिधि एक समान है, यदि आयत 10 सेमी × 8 सेमी है तो वर्ग के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो आयत की परिधि दे रखी है 2 × लंबाई + चौड़ाई,
ठीक है, 2 × 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 और लंबाई कितनी है इसमें, तो लंबाई है दोस्तों इसमें 10 और प्लस 8 है, ठीक है, तो 10 और 8 कितने होते हैं 18, तो 18 में 18 × 2 तो कितना हो जाएगा 36, ये तो आगे इसकी परिधि। अब वर्ग की, इसकी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा है वो 4 होती है, तो इसमें देखो 36/4 यानी कि भुजा आ गई कितनी 9, ठीक है। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 × 8 कितने हो जाएंगे 80, ठीक है, और इनमें से माइनस कर देंगे, 81 में से 80 गए तो कितने बच गए 1, ठीक है। अब इसमें 1/80 × 100 तो 1.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, यदि 3x - y = 27, 3x + y = 243, तो x बराबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को, वो है देखो x, x की जगह अपने को संख्या रखनी है, ठीक है, तो x की जगह अगर अपन संख्या रख लें तो सीधा सा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों x तो होगा इसमें 4 और y होगा 1, तो आप इसमें संख्या रख रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर अपने x के सामने x के स्थान पर 4 रखते हैं और y के स्थान पर 1 रखते हैं तो कितने बच गए 3, और 3 को 3 ये ऊपर घात में चला जाएगा दोस्तों, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 27, ठीक है, और सेम टू सेम इसी में ही करना है, तो ये कितने प्लस हो जाएंगे 7, तो 3 का जो 7 होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 243। नेक्स्ट है, 10 सेमी त्रिज्या एवं 10 सेमी ऊंचाई वाले पीतल के एक शंकु को ढालकर एक गोला बनाया जाता है, डले हुए गोले की त्रिज्या लगभग होगी, तो डले हुए गोले की जो लगभग त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो देखो सबसे पहले अपने को गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या है, तो 4/3 πr³, ठीक है, और फिर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h, इन दोनों को बराबर में रख देंगे और काट देंगे, ठीक है, तो इसका 3 सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 6.299 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 6.3 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट है, 55 नंबर प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 10% घटा दी जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो देखो पहले तो इसमें 10% घटाने के बाद में जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 90/100, ठीक है, और आयतन में कमी हो जाएगी इसमें, तो इसमें सीधा सा सिंपल सा है, 10% कमी हो जाएगी, तो इसमें 27.1% की इसमें कमी होगी, ठीक है, बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों G2C, क्या कहते हैं G2C। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सेना के किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो वो दो होते हैं दोस्तों कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, इस रैंक के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करने वाली संस्था है, तो वो है दोस्तों वो जो संस्था है वो कौन सी है, तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 59 नंबर प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम में प्रति छात्रा प्रति दिवस देय राशि है, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम में प्रति छात्रा प्रति दिवस देय राशि है, तो वो कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कितनी है, तो वो है 5 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो CTE में शिक्षकों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, CTE में शिक्षकों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिनवीकरण प्रशिक्षण अनुसंधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है, तो बच्चों का
जो लक्षित आयु वर्ग है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 14 से 18 वर्ष, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा, तो विद्यालय प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है, इसका विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, एक नज़र में ही किसी गांव की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने हेतु सहायक है, तो क्या सहायक है उसका, तो नजरी नक्शा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तीन नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र प्रकाशित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिविरा पत्रिका में दोस्तों ये प्रकाशित होते हैं, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नियोजन तंत्र के स्तरों में से जो नहीं है, तो नियोजन तंत्र के स्तरों में से दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य स्तर। ठीक है, इसमें जिला स्तर, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर ये तीन स्तर होते हैं लेकिन मध्य स्तर इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, विद्यालय स्तर पर विभिन्न सूचनाओं एवं डेटा को एकत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इमिस द्वारा एकत्रित किया जाता है, दो नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सर्वप्रथम विद्यालय समुन्नयन योजना की अभिशंसा की थी, सर्वप्रथम विद्यालय समुन्नयन योजना की अभिशंसा की थी तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है क्या, तो वो है दोस्तों मुदालियर आयोग ने, दो एक नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है ये प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, 70 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के द्वारा यह सुझाव दिया गया था, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु बिजली ऊर्जा स्टेशन किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो GSLV मार्क 3 का प्रक्षेपण कब किया गया, तो इसका जो मार्क जो 3 का जो प्रक्षेपण है वो कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18 दिसंबर 2014 को ये किया गया था, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूरोसिटी रोवर ने किस स्थान पर पानी की मौजूदगी के नए साक्ष्य जुटाने का दावा किया, क्यूरोसिटी रोवर ने किस स्थान पर पानी की मौजूदगी के नए साक्ष्य जुटाने का दावा किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंगल ग्रह पर। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, यह कर दिया है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो दोस्तों बढ़ा है कि घटा है या कम हुआ है या अपरिवर्तित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात है वो बढ़ा है। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना जो फर्स्ट ग्रेड में 114 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आराध्य RIS एकेडमी के साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन और लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।